अजय देवगन साहब जिनकी रनवे 34 हमने रिसेंटली देखी, जो कि सुपर डुपर अमेजिंग कॉन्सेप्ट पे थी, जिसपे अजय देवगन साहब का डायरेक्शन लाजवाब था। अब दोस्तों बारी है उस फिल्म की जो कि कैथी की रीमेक है, यानी कि भोला। आइए भोला से जुड़ी हुई तीन ऐसी बातें बताता हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग कहेंगे भैया इसको जल्दी, वो राजपाल यादव जी का डायलॉग है ना, हाँ जो ये सेम आप वही कहेंगे। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल जाली खजाना में, मैं हूं आपका यार ओके यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, आपने पास में मुझे अलग अलग चैनल में प्यार दिया है, अब बारी मेरे खुद के अपने चैनल की, सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैथी जो कि साउथ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक मानी जाती है, जो कि क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों ही लेवल पे सक्सेसफुल रही है, इसी का ही हिंदी वर्जन आ रहा है। सेम डायरेक्टर अपनी जो है कहानी को लेकर आ रहे हैं, जो कि यूपी बेस्ड उन्होंने बना दी है। अब कैथी में जो चीजें खास थी यहां पर सेम यहां पर होंगी, बट लेकिन कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ होंगी ऑफ कोर्स। और अजय देवगन साहब, नेशनल अवार्ड विनिंग सुपरस्टार अजय देवगन साहब इसमें दोस्तों मेन लीड निभाते हुए नजर आएंगे, भोला, राइट। अब यहां की तीन बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी रिलीज को लेकर। वैसे तो इसके पोस्टर में उन्होंने बता दिया था कि हम लोग 30 मार्च को रिलीज कर रहे हैं इसे 2023 में, बट दोस्तों अजय देवगन चाहते हैं कि जिस तरीके से कहानी का कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से कहानी ये बुनी हुई है या जिस तरीके से इसका शूट चल रहा है, तो हम इसे जल्द से जल्द जो है रिलीज करें, विच मीन्स कि जनवरी के आसपास या फेब में ये फिल्म रिलीज हो जाएंगी 2023 में। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके डिजिटल राइट्स, दोस्तों इसके डिजिटल राइट्स सचमुच में जबरदस्त होने वाले हैं। हॉटस्टार इंडिया ने, अगर आपको याद होगा, तो अजय देवगन साहब के साथ एक बड़ा ही प्रोजेक्ट साइन किया था, जिसके जो उनका ओटीटी डेब्यू था, राइट। और अब अजय देवगन साहब फिर से जो है अपनी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है उसको लेकर पर्टिकुलर ओटीटीज के पास गए थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो है मुंह मांगा रकम दिया है दोस्तों। जैसे इस पे एग्जैक्ट डिटेल रिपोर्ट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा खुलासा है अजय सर के कैरेक्टर को लेकर, और वो कैरेक्टर है दोस्तों, ये जो कैरेक्टर है ये यूपी बेस्ड है। और अगर आपको याद होगा तो 90s के दौरान और 2000 के स्टार्टिंग में जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, मतलब कि अलग नहीं हुए थे, क्योंकि 2000 में ही इनका जो है पार्टीशन हुआ था, 2001 में हुआ था। तो ऐसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि अजय देवगन साहब इसमें कच्छा बनियान गिरोह जो बहुत ज्यादा एक्टिव था नॉर्थ में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव था, उसके ही सरगना बने होंगे। तो ऐसे में आपको क्या है कहना दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलता हूं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, व्हाट्स योर ओपिनियन, बाय।